9th और 10th के आर एस अग्रवाल के मैथमेटिक्स सेकेंडरी स्कूल के बुक का रिव्यू होगा। सबसे पहले तो 9th क्लास, फिलहाल मैं 9th क्लास को अंदर से नहीं दिखा रहा हूँ, बाहर से दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूलों और ये रहा ये वगैरह वगैरह लोगों सब, और यहाँ पर है और ये बस कुछ कॉन्टेंट्स हैं इधर जिन्हें देख लीजिए सभी आप लोग। जैसे कॉमन से चैप्टर्स है जो पॉज करके भी आप वीडियो देख सकते हो, उतना मैं नहीं बता पाऊँगा, और बाकी यहाँ से स्टार्ट है। तो मेन हमें करना था, इसका कॉस्ट कितना पड़ा था? इसका कॉस्ट पड़ा था 500 रुपीज़ के आसपास, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट ये तो अभी 10th के आर एस का रिव्यू करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिनल बुक है, भारतीय भवन का स्टैम्प भी देखा जा सकता है, और यहाँ पे साइड में कुछ बताया गया है, और इसका प्राइस लगभग 690 रुपीज़ है, बट मैंने ऐसे 620 रुपीज़ में बाई किया। कितना परसेंटेज किया? वो परसेंट वगैरह उन्होंने लेस नहीं किया, उन्होंने मेरे को सीधा दाम 620 बताया, मैंने उन्हें कुछ दिखाने पढ़ाने को भी नहीं बोला, वैसे तो 690 बट दिया उन्होंने 620। तो इधर देख लीजिए सब बताया गया, और इधर कुछ पेपर वर्क है। जब पहले वाला जो बुक था क्लास 10 का और अभी जो न्यू एडिशन बुक है जो 2022 का, उसमें कुछ चेंजेस है? तो उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, बट बहुत सारे भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कोविड रिलेटेड काफ़ी सारे चैप्टर्स को रिड्यूस भी किया गया था उस समय। अच्छा, और ये केवल मैथ पे नहीं, अलग बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे चेंजेस हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत किया गया रिड्यूस कोविड के रिलेटेड। तो कंटेंट्स भी वही सारे कॉन्टेंट्स है, एक बार दिखा देता हूँ 9th के भी कॉन्टेंट्स को भी और इनके कॉन्टेंट्स को एक बार। तो इन दोनों में ये शुरुआत पे नंबर सिस्टम, बस यहाँ पे रियल नंबर्स और नंबर सिस्टम्स देखिए। सेकंड में भी दोनों में अलजीब्रा है, बस इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक न्यू है और कुछ नहीं, और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिफ्थ में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें भी सेम चीज़ है। बाकी ज्योमेट्री में भी अगर आप देखते हैं तो इसमें ज्योमेट्री में केवल 3 चीज़ें हैं, ट्राइंगल, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस। इसमें थोड़ा 9th में और भी कुछ बताया गया, और इसमें एक न्यू चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, बट इसमें ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, इसमें केवल मेंसुरेशन है, जो कि ट्राइंगल्स और सरफेस वो एरियाज रिलेटेड है। इसमें मेंसुरेशन हो गया आपका पैरीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल्स, सेक्टर्स, सेगमेंट्स और सरफेस एरियाज वॉल्यूम। तो बाकी इन दोनों में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आगे जो चैप्टर दिखा रहा हूँ वो इसमें आगे मैं आपको लास्ट में प्रोबेबिलिटी, और इसमें भी है प्रोबेबिलिटी, बट इसमें प्रोबेबिलिटी के लिए एक स्पेशल चैप्टर है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर्स हैं, और इसका रिवीजन रिवाइज पेपर भी दिया हुआ है? जी नहीं, रिवाइजेशन भी दिया हुआ है पीछे, बैक साइड कुछ भी रिवाइज नहीं, बैक साइड ये इस एक्सरसाइज को रिवाइज करना ऐसा कुछ तो नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं टर्न वन टर्न वैसा कुछ रिवीजन रिलेटेड ध्यान दिया, सैंपल पेपर दिया, सैंपल पेपर्स अगर 10th का भी कुछ एग्जाम्स आते हैं तो आप इसके सैंपल पेपर से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका प्रिपरेशन भी बेस्ट होगा। सैम्पल पेपर फर्स्ट तो बेसिक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही बनाने हैं, अगर आपको डाउट हो रहा है तब यहाँ पे आंसर्स भी दिए गए हैं सारे आंसर्स से, कुल 39 क्वेश्चंस हैं, 1 से लेकर 39 तक सारे के सारे आंसर्स दिए गए। तो बस आज की वीडियो यहीं तक, तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करने बोल दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन एंड लाइक द वीडियो।